Hello students, good morning everyone and welcome to the global world. सो so, आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं पंचायती राज व्यवस्था को और पंचायती राज व्यवस्था के अंदर आज हम लोग कंप्लीट करेंगे कुछ शॉर्ट पॉइंट्स को जैसे कि आपकी जो अभी तक की जितनी भी क्लासेस हुई है लगभग 23 क्लासेस अकेले पंचायती राज व्यवस्था के ऊपर है उसके बाद आपकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की क्लासेस है तो प्ले आपका रेडी है ज़रूर से आप सारे प्रीवियस सेशन को विजिट करिएगा आज हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर रिविजन कम्प्लीट करने वाले हैं एन सी समरी को हम लोग यहाँ पर कम्प्लीट करेंगे जो कि कनेक्टेड आपकी पंचायती राज व्यवस्था से सो so, जितने भी स्टूडेंट फर्स्टली चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब द चैनल ताकि इसी तरीके से वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको यहां पर रेगुलर मिलते रहे और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप जरूर से एक बार मैसेज कर लीजिएगा एट डबल सेवन जीरो एट जीरो थ्री एट फोर जीरो जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं जैसे पटवारी की आप कर रहे हैं इसके अलावा एमपी टेट कर रहे हैं अदर स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर से मैंशन करिएगा ताकि उस ग्रुप में आपको ऐड किया जा सके ओके चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को सबसे पहला पंचायत का राज क्यों मतलब पंचायती राज व्यवस्था को क्यों लाया गया तो इस क्यों में ही हमारे सारे आंसर्स छुपे हुए और इसी से आपसे रिलेवेंट जो है एग्जाम में क्वीज़ पूछी जाती है ठीक है तो इसीलिए कि पंचायती राज व्यवस्था से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा हमें क्या फ़ायदे होंगे तो राजकाज में आम लोगों की भागीदारीता बढ़ेगी मतलब एक आम जनसंख्या जो है आम जनता जो है वो इसमें अपना पार्टिसिपेशन निभा पाएगी ठीक है पार्टिसिपेट यहाँ पर कर पाएगी इससे जनतंत्र की जो है जड़ यहाँ पर मजबूत होगी सार्वजनिक कार्यो के संचालन को सीखने जनतांत्रिक पद्धतियों में प्रशिक्षण पाने और जनतांत्रिक मूल्यों को ग्रहण करने का अवसर यहां पर मिलेगा ठीक है ग्राम की जरूरतों के अनुरूप यहाँ पर योजनाएं बनेगी मतलब जैसे गांव के लोगों की डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्कीम्स वगैरह लॉन्च की जाएगी मतलब जब तक जनता अपना पॉइंट नहीं रखेगी तब तक सामने वाले को या सरकार को पता कैसे चलेगा कि डिमांड क्या है तो इसीलिए जनता तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी और सबसे बेस्ट माध्यम बेस्ट मीडियम इसके लिए क्या है पंचायत है ठीक है स्कीमों का क्रियान्वयन सब लोगों के सामने होगा इससे उनकी गुणवत्ता और उपादेयता बढ़ेगी मतलब क्वालिटी यहाँ पर बढ़ेगी अगर हम लोग सब कुछ यहाँ पर पारदर्शिता के साथ करते हैं उत्तरदायित्व का बोध बढ़ेगा उत्तरदायित्व मीन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर बढ़ेगी और इससे भ्रष्टाचार में कमी आएगी कार्य समय पर शीघ्रता से होंगे इससे समृद्धि आएगी राजस्व संबंधी मामलों में उचित रूप से और तेजी से निर्णय यहाँ पर लिए जाएंगे अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग की जो प्रभावकारिता भागीदारीता है इससे राजनीतिक सामाजिक और जो आर्थिक खाई है वो कम हो सकेगी है ना पटेगी दैट मीन्स कम हो सकेगी ये समाज को समता की ओर लेकर जाएगा तो ये है पंचायती राज के हमारे बेनिफिट और क्या क्या फायदे हो सकते हैं महिलाओं की सक्रिय और बराबरता की जो भागीदारीता है गांव को एक नया ही आयाम देगी इससे जो सामाजिक बुराइयां या कुरूतियाँ जो समाज में प्रचलित है स्पेसिफिक महिलाओं को लेकर या स्पेसिफिक किसी भी पॉइंट पर वो यहाँ पर मिटेगी क्योंकि इससे क्या होगी कि लोग जो है एक दूसरे से कनेक्ट होंगे शिक्षा वगैरह है ना वो सारी चीज़ें होगी तो डेफिनेटली जो सामाजिक बुराइयाँ है, कुरूतियाँ हैं ये मिटेगी लोगों में सहयोग और अपनत्व की भावना बढ़ेगी इससे ग्रामीण जीवन सुंदर और खुशहाल बनेगा ग्राम के सुंदर बनने से नगर भी सुंदर बन चुके बनेंगे और ग्राम की समता समृद्धि से देश भी मज़बूत और खुशहाल होगा ठीक है तो ये सारे पंचायती राज के हमारे बेनिफिट हैं आई थिंक बिल्कुल सिंपल से आसान से लैंग्वेज में लिखे गए हैं इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी किसी भी चीज़ को समझने में ओके okay? चलिए आगे बात करते हैं संविधान एवं राज्य अधिनियम के मुख्य प्रावधान अब संविधान और राज्य अधिनियम के क्या क्या प्रावधान है तो यहाँ पर कुछ नियम कानून बनाए गए हैं सबसे पहले तो नियमित चुनाव की बात की गई प्रत्येक पाँच वर्षों पर यहाँ पर पंचायत का चुनाव करवाया जाएगा अगर बीच में विघटित हो जाता है भंग हो जाता है तो छः महीने के भीतर भीतर क्या करवा लीजिए चुनाव करवा लीजिए आरक्षण जो मिलेगा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए पंचायत में सभी स्तरों पर आरक्षण रखा गया महिलाओं के लिए ये वेरी सकता है अपने राज्य के हिसाब से कम से कम पचास प्रतिशत का आरक्षण तो होना ही चाहिए हो जनसंख्या के, जन के अनुपात में आरक्षण जिसमें कम से कम पचास प्रतिशत पद महिलाओं के लिए होंगे अगर अनुसूचित जाति जनजातियों की कि संख्या किसी पंचायत में कम हो तब पिछड़े वर्गों को मिलाकर जो है अस्सी प्रतिशत का आरक्षण उनको यहां पर दिया जाएगा चुनाव के लिए वार्डों का जो आरक्षण है वो चक्रानुसार यहाँ पर चलेगा जो वार्ड आरक्षित किए जाएंगे चुनाव के लिए वो चक्रानुक्रम में आरक्षित यहाँ पर किए जाएंगे अब प्रत्यक्ष चुनाव की यदि हम लोग बात करें तो पंचायत के सभी स्तरों पर प्रत्यक्ष चुनाव होंगे और प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा आए व्यक्तियों में से ही एक सदस्य यहाँ पर उसका अध्यक्ष बनेगा प्रत्यक्ष चुनाव मतलब डायरेक्टली जनता उसको वोट देगी ठीक है जनता वोट देगी वो आपके प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं राज्य चुनाव आयोग का इसके अंदर प्रावधान किया जाए ठीक है राज्य चुनाव आयोग जो है पूरा वो करेगा और वही देख करेगा हमारे चुनाव की राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए मतलब पैसों से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट वगैरह वो स्पेसिफिक अपना एक राज्य का होना चाहिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का जिले के जिला परिषद में विलीन होना जिला योजना समिति का गठन ठीक है ग्राम सभा ग्राम जिसको मोजा भी बोला जाता है ग्राम स्तर पर आ, स्थापित की जाएगी ठीक है तो ग्राम सभा ग्राम या मोर्जा स्तर पर स्थापित की जाएगी राज्य विधानसभा के द्वारा पंचायतों को एक ऐसी शक्तियां और अधिकार दिया जाना जिससे वे स्वायत्ता की संस्था के रूप में कार्य कर सके स्वायत्ता शासन का मतलब क्या होता है हमारा हमारे ही लोगों के द्वारा जो है शासन चलाया जा रहा है ऊपर से कोई हमें ऑर्डर दे रहा है हम उसको फॉलो नहीं करें हमारे बीच में से ही व्यक्ति है वो ही शासन चला रहा है हमारा काम यहाँ पर चला है तो आप इसको एक स्वायत्ता शासन यहाँ पर बोल सकते हैं ठीक है आप एक बार से इसको देख लीजिए इसमें क्या लिखा हुआ है फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ेंगे चलिए यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर होगा बिल्कुल है ना चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर देखो सबसे पहले तो प्रत्यक्ष चुनाव के बारे में लिखा गया था फिर आपका राज्य चुनाव आयोग के बारे में लिखा गया है ठीक है फिर राज्य वित्त आयोग लिखा हुआ है जिला ग्रामीण विकास जो है जिले की परिषद में इसको विलीन किया जाएगा जिला योजना समिति का गठन ग्राम सभा ग्राम स्तर पर बनेगी ठीक है राज्य विधानसभा के द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियां प्राप्त है जिससे स्वायत्त शासन को जगाया जा सकेगा इसकी संस्था के रूप में ये लोग कार्य कर सकेंगे अब ग्राम सभा को जीवंत कैसे किया जा सकता है इसके लिए कुछ पॉइंट यहाँ पर मैंशन किए गए हैं सबसे पहला पॉइंट आप यहां पर देख सकते हैं हर राजस्व ग्राम के लिए ग्राम सभा की व्यवस्था है राजस्व ग्राम का तात्पर्य उस ग्राम से उस मोजा से है ठीक है तो हर राजस्व ग्राम के लिए अपनी एक ग्राम सभा होगी है ना पंचायत पर एक ग्राम सभा होगी तभी तो पंचायत का निर्माण होगा ग्राम सभा के अधिकार और कर्तव्य को नियमित करने के लिए नियमावली बनाने की शक्ति विधानसभा ने किसको दे दी उस पर्टिकुलर राज्य सरकार को दे दी मतलब ये अधिकार विधानसभा के पास ना होकर राज्य सरकार के पास है कि राज्य सरकार क्या करे कि ग्राम सभा के क्या क्या कार्य होना चाहिए क्या क्या समितियाँ बनेगी ग्राम सभा के बीच में जो पूरे अपने ग्राम की गाँव की विलेज की देखरेख करेगी तो ये राइट जो है ये अधिकार जो है किसके पास होंगे उस राज्य की राज्य सरकार के पास होंगे हो सकता है मेरे राज्य के जो ग्राम सभा के दायित्व तो वो अलग हो आपके राज्य के ग्राम सभा के दायित्व तो अलग हो। अगर आप डिफरेंट स्टेट से हैं तो ठीक है ग्राम सभा पंचायती व्यवस्था के केंद्र में है वहीं एक स्थान है जहां गांव के सभी बालिग लोग जिनका नाम मतदाता सूची के अंदर है एकत्र होकर अपना विचार व्यक्त कर सकेंगे इसीलिए ग्राम सभा को योजना बजट और स्कीमों को स्वीकृत करने का अधिकार है इसकी हर तिमाही बैठक होनी चाहिए हर तीन महीने में ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए और उसमें सभी लोगों को सक्रिय रूप से भागीदारीता निभानी चाहिए ठीक है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है अच्छा इसमें एक सबसे बड़ा डाउट आता है कि हर तीन महीने में बैठक होगी उसमें फिर महिलाओं इतनी महिलाएं आनी चाहिए इतना कोरम जो है हमारा वो कंप्लीट होना चाहिए तो ये भी एक बहुत बड़ा डाउट रहता है कि कितने लोगों का आना कम्पल्सरी होता है तभी हमारी जो बैठक है वो कंप्लीट हो पाएगी तो वो भी चीज़ें अभी ही हम लोग कवर कर लेते हैं ताकि आपका एक रिविज़न भी यहाँ पर हो जाए और हम लोग नेक्स्ट क्लास से नई चीज़ों को स्टार्ट कर पाए ठीक है तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं पंचायती राज की सफलता की शर्तें क्या क्या है मतलब कैसे पंचायती राज सक्सेसफुल हो पाएगा जब तक कि लोग जागरूक रहेंगे एवं सार्वजनिक कार्यों में दिलचस्पी दिखाएंगे तभी हमारा पंचायती राज सफल हो चुकेगा है ना नियमित चुनाव होना सक्रिय और लोकप्रिय लोगों का चुना जाना ग्राम सभा का जीवंत रहना मतलब गाँव के जो लोग हैं ग्राम सभा में कौन है गाँव के लोग मतलब आम जनता नागरिक है ना तो उन सभी का जीवंत रहना एक्टिव रहना पंचायत को स्थानीय महत्व के सभी कार्यों को करने की शक्ति और तदानुकूलन साधन उपलब्ध करवाना स्कीमों के कार्यान्वयन पर निगरानी जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हो पंचायत के अंतर्गत सभी गांव टोल का विकास किया जाए मतलब गांव का एक अच्छा सा विकास डेवलपमेंट यहां पर हो पाए महिलाओं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग जो है उनके उत्थान पर यहाँ पर बल दिया जाए उनको भी आगे बढ़ाया जाए विकास के कार्यों में यहाँ पर तेजी दिखाई जाए जितनी भी स्कीम गवर्नमेंट जो है बहुत सारी स्कीम लॉन्च करती है तो वो गाँवों तक लेकर आई जाए और सिर्फ लेकर नहीं आना उसका क्रियान्वयन भी यहां पर करवाया जाए राजस्व और न्यायिक मामलों के निष्पादन में निष्पक्षता और शीघ्रता दिखाई जाए ठीक है पंचायत के आय व्यय का हिसाब हमेशा अद्यतन और ठीक रखा जाए कि कितना पैसा आया कितना गांव में लगा कितना बचा जिसको हम आगे यूज़ कर सकते हैं मतलब उसका पूरा बजट वगैरह सब कुछ सही तरीके से रखा जाए समय पर अंकेषण और त्रुटियों का तुरंत निवारण किया जाए जो भी हमारे दिक्कत आती है उनका समय समय पर ऑडिट किया जाए कि गाँव में ये चीज़ें चल रही है इतना कुछ यहाँ पर हुआ है ना और कोई गलतियाँ हुई है तो उनका तुरंत से तुरंत समाधान किया जाए सरकार और पदाधिकारियों द्वारा सहयोग परंतु अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं सहयोग किया जाए बट वो हस्तक्षेप नहीं करे बार बार वो नहीं करे कि ये वो हो है ना तो हम लोग देख सकते सरकार और पदाधिकारियों द्वारा सहयोग किया जाए लेकिन अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप जो है पंचायत में मान्य नहीं होगा ठीक है भ्रष्टाचार और शक्ति के दुरुपयोग की स्थिति में उचित दंड का प्रावधान तथा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करने का प्रावधान जो है पंचायत के पास हो ठीक है चलिए अब यहाँ पर जो हम लोग स्वशासन व्यवस्था की बात कर रहे हैं वो कैसे काम करती है तो हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं केंद्र सरकार राज्य सरकार के पास जो शक्तियाँ हैं वो कैसे पंचायत के पास आती है और पंचायत से वो कैसे कैसे जाती है ठीक है तो हम देखते हैं कि सबसे मेजर जो हमारा केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है अब यहीं से पंचायती संस्थाएं बनना स्टार्ट होगी तो सबसे पहले यदि हम लोग बात करें जिला परिषद क्योंकि सबसे टॉप लेवल पर ये होगी तो जिला परिषद में तीन पद होते हैं एक अध्यक्ष का होता है एक उपाध्यक्ष का होता है बाकी उसके सदस्य होते हैं पदेन सदस्य है जिसको हम लोग बोलते हैं फिर इसके नीचे यदि हम लोग जाए तो पंचायत समिति आती है ठीक है जिसमें प्रमुख होगा है ना इसका एक उप होगा और बाकी उसके सदस्य होंगे ठीक है फिर हम लोग बात करेंगे ग्राम पंचायत की ठीक है ग्राम पंचायत में आपका मुखिया सरपंच होता है फिर आपका उप सरपंच उप मुखिया होता है और उसके सदस्य होते हैं ठीक है ठीके? और यहीं से आपकी फिर ग्राम सभा बनती है सबसे लोअर लेवल पर चले तो ग्राम सभा ग्राम सभा में कौन होता है अध्यक्ष होता है और उससे बनी हुई समितियाँ होती है जो निर्मित की गई अब समितियाँ कौन कौन सी हो सकती है जैसे अभी हमने देखा कि राज्य के हिसाब से ये सारा दायित्व राज्य सरकार के पास है राज्य सरकार जैसे चाहे अपनी समितियों का निर्माण करवा सकती है ग्राम विकास समिति होती है जो कुछ समितियाँ कॉमन होती है ग्राम विकास समिति सार्वजनिक संपदा समिति सार्वजनिक संपदा मतलब हमारे पास जितनी भी संपदा है सरकारी उन सभी की रक्षा करना ठीक है जैसे कि हम लोग कोई भवन वगैरह बना देते हैं है ना तो वो सारी चीजें कृषि स्वास्थ्य ग्राम रक्षा समिति आधारभूत संरचना है ना इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह देखेगी शिक्षा समिति सामाजिक न्याय समिति और निगरानी मतलब एक देख करने के लिए एक समिति होगी कि गाँव में क्या चल रहा है कोई समस्या वगैरह नहीं है इस तरीके से ठीक है अब जो पॉइंट हमने बीच में डिस्कस किया था की ग्राम सभा की बैठक ठीक है तो ग्राम सभा की बैठक में ग्राम के सदस्यों का होना अनिवार्य है लेकिन कितने सदस्यों का ऐसा तो है नहीं कि ग्राम सभा की बैठक हुई सारे के सारे सदस्य जो है कंपलसरी कर दिए गए कि पूरे गांव को आना बैठक में अनिवार्य है तो कुछ पॉइंट यहां पर मेंशन किए गए हैं वो पॉइंट हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं ग्राम सभा की बैठक कम से कम तीन महीने में एक बार होगी ये मैंने आपको पहले बताया कि तीन महीने में कम से कम एक बार बैठक का होना अनिवार्य है ठीक है एक बार तो होना इससे ज्यादा बार होती तो कोई दिक्कत नहीं है एक बार होना ही चाहिए परंतु ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक सदस्यों में द्वारा लिखित में अपेक्षा किए जाने पर या पंचायत समिति जिला परिषद या जिला दंडाधिकारी या वहां का जो उपायुक्त है उसके द्वारा अपेक्षित किए जाने पर ग्राम सभा की बैठक ऐसी अपेक्षा में तीस दिनों के भीतर बुलाई जा सकती है ठीक है मतलब यहाँ पर क्या बोला गया तीन महीने में एक बार होगी है ना सेकेंड नब्बे दिन में एक बार होनी चाहिए बैठक इस हिसाब से तीन महीने लेकिन अगर आवश्यकता लग रही है तो ना अगर जैसे कि आदेश दिए कि पंचायत समिति की साइड से आदेश आ गया कि अर्जेंट हमें ग्राम सभा बुलानी पड़ेगी पंचायत यहाँ पर बुलानी पड़ेगी या फिर इनमें से किसी का अगर कोई है कि नहीं पंचायत को बुलाई जाए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने तो तीस दिन के भीतर पंचायत को बुलाया जा सकता है तो ये कंडीशन है कि पंचायत कब कब बैठती है क्लियर है सेकेंड पॉइंट के पास चलते ग्राम सभा के किसी बैठक के लिए ग्राम सभा के कुल सदस्यों की वैध संख्या के एक बटा दस एक दशांश सदस्यों का बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य है उसी से हमारा कोरम पूर्ण होगा किंतु कोरम के दशांश में से महिलाओं की उपस्थिति एक तिहाई से कम नहीं होनी चाहिए ठीक है तो आप देख लीजिए कि जो भी जनसंख्या है उसका एक बटा दस जो है यहाँ पर कौन सा होना चाहिए सदस्य आना चाहिए मान लो ग्राम सभा के कुल सदस्य वैध सदस्य मतलब कि जो मतदाता सूची में आते हैं ठीक है छोटे बच्चों को काउंट ना करते हुए जो भी व्यक्ति मतदाता सूची के अंदर आते हैं उसका एक बटा दस सौ का दस मतलब गाँव में यदि सौ जनसंख्या या फिर एक हजार है एक हजार मान लेते हैं तो एक हजार में से सौ सदस्यों का आना वहां पर अनिवार्य है ठीक है और कॉरम के दशांश में से भी महिलाओं की उपस्थिति कितनी होना चाहिए एक बटा तीन से कम नहीं होना चाहिए ठीक है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग बोले कि चौतीस होना ही चाहिए तैतीस होता है तो प्लस वन मानकर चलते हैं कि उस सौ में से चौतीस महिलाएं होनी ही चाहिए ये मस्ट है ये कंपलसरी है तो आप इस कंडीशन को सौ से याद कर लीजिए चाहे आप नब्बे से याद कर लीजिए एक से याद कर लीजिए जैसे भी आप ध्यान रखना चाहते हैं अगर सौ है ठीक है तो सौ में से दस यहाँ पर क्या हो जाएंगे टोटल सदस्य हो जाएंगे और दस में से यहाँ पर तीस का एक बटा तीन करें मतलब तीन तो एक मान ले कि चार यहाँ पर क्या होना चाहिए महिलाएं होना चाहिए है ना साढ़े तीन होगा तो हम लोग चार मान लेते हैं कि चार यहाँ पर क्या होगी हमारी महिलाएं होनी चाहिए उन दस में से तो चार महिलाएं और छ पुरुष ठीक है तो ये पॉइंट नंबर सेकंड है एक दशांश की बात यहाँ पर करी गई है पॉइंट नंबर तीन की बात कर लेते हैं आगे इसमें और देखिए अनुसूचित जाति के लिए स्पेसिफिक केस है परंतु अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के कुल सदस्यों की एक तिहाई सदस्यों की जो संख्या है कोरम के लिए अनिवार्य है जैसे एक बटा दस हमने वहां पर माना था नॉर्मल में लेकिन अगर किसी अनु अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा लगती है तो वहां के सदस्यों का कितना होना चाहिए एक तिहाई होना चाहिए मान लो कि नब्बे लोग हैं उस गांव के अंदर पर्टिकुलर जहां पर ग्राम सभा है वहाँ की जो पंचायत समिति है उसमें नब्बे लोग आते हैं पूरे संख्या को अगर ओवरऑल काउंट करें, तो इसका एक तिहाई मतलब तीस लोगों का आना अनिवार्य है ठीक है एक तिहाई सदस्यों की संख्या कोरम के लिए अनिवार्य होगी किंतु एक तिहाई सदस्यों की संख्या काफी एक तिहाई महिला सदस्यों के लिए अनिवार्य होगा, वही जैसे हमने उसमें लगाया था वैसे ही हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे एक तिहाई वापस से जो है तीस है तो तीस का एक तिहाई यहाँ पर वापस से क्या हो जाएगी दस महिलाएं हो जाएगी ठीक है तो उस कोरम को क्या मान लिया जाएगा कंप्लीट गठन यहां पर मान लिया जाएगा उदाहरण जस्ट वही एग्जाम्पल इक्का एक के एग्जाम्पल से दिया गया यदि बैठक में सदस्यों की संख्या इक्यानु है तो एक तिहाई सदस्यों में से कम नहीं कम नहीं की पूर्ति करने के लिए तीस दशमलव तीन इक्काणु का आधा कितना होता है मतलब इक्का को यदि आप एक तिहाई निकालेंगे है ना तो तीस दशमलव तीन होगा मतलब तीस दशमलव तीन ना होते हुए पूर्ण संख्या तीस सदस्य एक तिहाई से कम होंगे अगर वो तीस लेता है तो एक तिहाई नहीं हो रहा इसलिए कितने लोगों का आना आवश्यक है इकतीस लोगों का आना आवश्यक है हम राउंड फिगर यहां पर ले रहे थे हम लोग नब्बे ले रहे थे हम लोग सौ ले रहे हैं हम लोग एक हजार ले रहे हैं लेकिन यदि संख्या इस तरीके से होती है इक्काणु बाणु होती है तो उसमें एक प्लस आगे लिया जाएगा ठीक है आप समझ रहे हैं थिंक ये चीजें क्या है बस आपको बस कैलकुलेशन को थोड़ा सा एक आइडिया लगाने के लिए बताया जा रहा है कि तीस सदस्य कम हो जाएंगे एक तिहाई में तो हम लोग क्या करेंगे प्लस वन ऐड करके चलेंगे ठीक है इसीलिए इकतीस सदस्यों की उपस्थिति कोरम के लिए आवश्यक है तथा इन इकतीस सदस्यों में से एक तिहाई महिला सदस्य यानी कि ग्यारह महिला सदस्य का होना यहाँ पर आवश्यक होगा ठीक है एक बार आप इसको खुद से पढ़िए समझिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे देखो बोला वही गया है पहले हमने नॉर्मल बात करी फिर किसी अनुसूचित क्षेत्र में यदि पंचायत समिति लगती है तो एक तिहाई सदस्यों का होना कोरम में आवश्यक है एक तिहाई मतलब नब्बे का एक बटा तीन आप कर लीजिए ठीक है तो तीस सदस्यों का होना नब्बे में से आवश्यक होगा ठीक है अब यहां पर इन्होंने अगर एक एग्जाम्पल माना है कि अगर इक्काणु होता है तो आप इसको कैसे डिवाइड करेंगे ठीक है तो आप इकतीस मान लीजिएगा फिर इकतीस में से भी इसका एक बटा तीन कितनी हो जाएगी हमारी महिलाएं हो जाएगी फिर टेन पॉइंट कुछ आएगा तो उसको एक आप राउंड फिगर करने के लिए दस को क्या कर सकते हैं ग्यारह कर सकते हैं ओके क्लियर है आगे बढ़ें चलिए ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता संबंधित ग्राम पंचायत के मुखिया के द्वारा की जाती है अध्यक्षता कौन करेगा मुखिया करेगा अगर मुखिया नहीं है तो कौन करेगा वहाँ का जो उप मुखिया है उप सरपंच है वो करेगा अगर दोनों ही बहुत रेयर केस ऐसे होते हैं लेकिन अगर दोनों ही प्रेजेंट नहीं है तो जो मनोनीत सदस्य है ग्राम सभा का वो यहाँ पर इस बैठक की अध्यक्षता करता है देख सकते हैं यदि दोनों ही अनुपस्थित है तो बैठक की अध्यक्षता के लिए उपस्थित सदस्यों के बहुमत से निर्वाचित सदस्य जो है बहुमत से जो निर्वाचित किया गया कि हाँ आप बैठक कर लीजिए आप इसको पोस्ट कर लीजिए ठीक है तो वो ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करेगा परंतु क्योंकि हम दो सिनारियों लेकर चल रहे हैं सबसे पहला सिनारियों कि जो एक नॉर्मल ग्राम होता है उसमें किस तरीके से होगा और जो अनुसूचित क्षेत्रों में जो पंचायत बैठती है उसमें आप किसको रखेंगे क्योंकि दो डिफरेंट डिफरेंट केस लगते हैं ठीक है पैसा एक्ट वगैरह अब हमने पढ़ाई है ना तो वहां पर जो है पंचायत को अलग से कुछ राइट्स वगैरह भी होते तो ये वही एक केस है परंतु अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता उस ग्राम सभा के अनुसूचित जनजातियों के ऐसे सदस्य के द्वारा की जाएगी जो संबंधित पंचायत का मुखिया उप मुखिया प्रादेशिक निर्वाचित क्षेत्र का सदस्य नहीं हो और ग्राम सभा क्षेत्र में परंपरागत रूप से प्रचलित रीति रिवाज के अनुसार मान्यता प्राप्त व्यक्तियों मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि गांव के लोग जिसका सम्मान करें है ना ऐसा नहीं कि जो मुखिया है वो नहीं गांव के लोग जिसको मानते हो क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र में तो डेफिनेटली एक कोई बड़ा जो सबको साथ लेकर चल रहा है ऐसा वाला व्यक्ति भी होगा तो उसके द्वारा जिसको आप माझी बोलते हैं जिसको आप शायद मुंडा पाहन महतो है ना महंत या किसी अन्य नाम से जानते हैं उनके द्वारा मनोनीत समर्थित व्यक्ति हो उसके द्वारा यहाँ पर अध्यक्षता करी जाएगी ठीक है तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा चलिए आगे बात कर लेते हैं यदि बैठक है तो निर्धारित किए गए समय पर कोरम के लिए आवश्यक संख्या में सदस्य उपस्थित नहीं है मान लो यहाँ पर डिसाइड किया गया सरपंच उप सरपंच या सचिव के द्वारा कि हम लोग इस दिन बैठक करते हैं हम लोग आज से ठीक चार दिन बाद बैठक करेंगे लेकिन हमें पता चल रहा है कि सदस्य है ही नहीं है ना तो बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति बैठक को आगामी तिथि व समय के लिए स्थगित कर देंगे मतलब कि हाँ चलो नेक्स्ट डेट ये दी गई है इस दिन हम लोग अपनी बैठक करेंगे जैसा कि वह निश्चित करें तथा स्थगित बैठक की एक नई सूचना नियम सात के अनुसार देगा फिर से सूचना दी जाएगी कि अब पंचायत उस दिन स्थगित कर दी गई थी तो ये स्थगित बैठक इस दिन कंप्लीट की जा रही है ऐसी स्थगित बैठक के लिए कोरम आवश्यक नहीं होगा परंतु ऐसी बैठक में किसी नए विषय पर विचार नहीं किया जाएगा मान लो इसको वही कैसे कंसिडर करते हैं हमने चार दिन बाद जो हमने बैठक करवानी थी वो नहीं हो पाई फिर हमने एक और डेट फाइनल करी कि हाँ इस डेट को हम लोग जो है पंचायत की बैठक करेंगे लेकिन उस दिन भी क्या हुआ जो स्थगित बैठक उस दिन कम्प्लीट होगी लेकिन उस दिन भी अगर कोरम कम्प्लीट नहीं हो पाया आवश्यक जो हमने सोचे थे सदस्य के कोरम में इतने होना मस्ट है वो नहीं हो पाए तो हम लोग उस दिन कोरम करके जितने लोग आए हैं अपने पॉइंट पर विचार कर लेंगे लेकिन नए टॉपिक को नहीं छेड़ेंगे जो पुरानी चीज़ें चली आ रही है उस पर डिस्कशन किया जा सकता है तो इसमें यही बात बताई गई है कि नए विषय पर विचार नहीं किया जाएगा मान लो पुरानी कोई चीज़ें हैं कोई देख रेख हो रही थी उस पर बातचीत करनी है तो वो यहाँ पर मेंशन करी जा सकती है उस पर विचार विमर्श किया जाता है लेकिन नए पॉइंट जो कि सभी सदस्यों के साथ डिस्कस करने हैं उसको नहीं छेड़ा जाएगा ठीक है देखो अगला पॉइंट देख लेते हैं अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति जो या तो परंपरागत ग्राम प्रधान हो या उसके द्वारा प्रस्तावित स्थाई अध्यक्ष अद, हो अनुसूचित क्षेत्र की हम लोग बात कर रहे हैं अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा की अध्यक्षता अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति जो या तो परंपरागत रूप से ग्राम प्रधान है उसी को सिलेक्ट किया गया था अध्यक्ष के लिए या फिर उसके द्वारा जो प्रस्तावित स्थाई अध्यक्ष है को संबंधित पंचायत समिति के सचिव के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी या कर्मचारी या ग्राम सभा की प्रथम बैठक के पूर्व शपथ ग्रहण प्रतिज्ञा करवानी होगी शपथ ग्रहण संलग्न प्रपत्र साथ में कराया जाएगा शपथ ग्रहण प्रतिज्ञा करने वाले ग्राम सभा के अध्यक्षों की सूची संबंधित प्रखंड विकास कार्यालय में संधारित करी जाएगी मतलब एक सार यदि हम लोग निकाले तो ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि मतलब अनुसूचित क्षेत्र में तो क्या होगा कि जो वहां पर सब लोगों को साथ लेकर चल रहा है जिसकी सब लोग बात सुनते हो वो ही वहां का अध्यक्ष होगा या फिर उसके द्वारा जो स्थायी अध्यक्ष बनाया होगा उसको भी यहां पर हमें क्या करवानी होगी शपथ दिलवानी होगी जो फर्स्ट बैठक होगी उससे पहले पहले ठीक है शपथ ग्रहण प्रतिज्ञा करने वाले ग्राम सभा के अध्यक्षों की सूची जो है संबंधित प्रखंड विकास कार्यालय में संधारित की जाएगी वहां पर रखी जाएगी इस तरीके से ठीक है तो अगर कोई स्थायी सदस्य भी होता है जो अनुसूचित जाति का हेड है वो भी यहाँ पर बैठक की अध्यक्षता करेगा तो उसको भी यहाँ पर पहले शपथ दिलवानी पड़ेगी ओके क्लियर है यहाँ तक चलिए तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमने यहाँ पर पंचायती राज से कुछ समरी से डिस्कस किए आई थिंक बहुत सारी चीज़ें जो आपके मन में डाउट होगी अध्यक्षता को लेकर कितने सदस्य होना चाहिए जिससे हमारा कोरम जो है कंप्लीट होगा है ना तो ये आई थिंक क्लियर हो गए होंगे और भी कोई पंचायती राज से रिलेटेड देखो डाउट्स कई सारे होते हैं क्योंकि पंचायत और ये ऐसी चीज़ें जिससे हम लोग डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं तो आपके जितने भी डाउट है ज़रूर से एक बार से कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि आगे वाला जो सेशन है उसमें हम लोग इन चीज़ों को डिस्कस कर पाए और कुछ नई चीज़ें सीखेंगे तो डेफ़िनेटली बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिलेगी ओके तो व्हाट्सएप को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि इसका जो पी है मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा सकूँ ओके तो सेशन को ओवर करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में थैंक्स फॉर वॉचिंग